हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बिहार में 1,70,000 टीचिंग वैकेंसी आई है, क्या उसके अंदर स्पेशल एजुकेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब सिंपल है, यस, आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई है। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट नहीं आई है। जनरल PRT की जो वैकेंसी है, जनरल प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है, उसके अंदर जो भी पोस्ट है आप अप्लाई कर सकते हो। 4th नंबर पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि स्पेशल एजुकेशन, DED स्पेशल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात ही आती है, एक कन्फ्यूज़न है कि क्या हमारा जो डिप्लोमा है DED वो NCERT से अप्रूव्ड है। तो दोस्तों, बिल्कुल NCERT से अप्रूव्ड है, बट हमारा जो बोर्ड है वो RCI है। तो हमारी जो मान्यता जो भी देगा वो RCI देगा, और RCI की जो भी बात है, RCI जो भी सर्टिफिकेट देता है, RCI जो भी डिप्लोमा देता है, वो ऑल ओवर इंडिया मान्य होता है। तो इसमें आप दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि भाई हम एलिजिबल हैं या नहीं, अगर हमारा डिप्लोमा NCERT से अप्रूव है या नहीं। आपका डिप्लोमा NCERT से अप्रूव है, मगर आप NCERT की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको DED स्पेशल एजुकेशन या अपने इंस्टीट्यूट का कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। इससे कोई दिक्कत, कोर्स चलता है वो RCI से चलता है, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अब यहां पर पहली बात तो ये हो गई कि भाई स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट अलग से तो नहीं है, जो PRT की, जनरल PRT की वैकेंसी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप ये जो फॉर्म अप्लाई करेंगे ये साइबर कैफे से अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट का साथ उसकी PDF अपलोड करनी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास। अब यहाँ पर बात आती है कि जो अदर स्टेट के हैं वो लोग अप्लाई करेंगे तो वो जनरल में जाएंगे, तो उनको मूल निवास अपलोड नहीं करना है। बट जो बिहार के कैंडिडेट हैं, जो भी उस कैटेगरी से बेनिफिट लेने चाहते हैं, मान के चलो कि मैं बिहार का कैंडिडेट हूँ और मैं OBC से आता हूँ, तो मैं OBC का जो है जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करूँगा, और साथ ही साथ मैं कैटेगरी OBC चूज़ करूँगा, मैं बिहार का मूल निवास लगाऊंगा, तो मुझे उसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बता दूँ कि जो बिहार में 7,500 स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट आएगी वो काफ़ी समय, यानी कि 4-5 महीने के बाद आएगी या 4-5 महीने के अंदर आ सकती है, तो उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। बट ये स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट नहीं है, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आगे आएगी भविष्य में। दोस्तों, सारी अपडेट आपको हमारे चैनल एजुकेशन पर मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। DED स्पेशल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं आसानी से 1st to 5th में, और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ ही साथ BED कर रखी है स्पेशल एजुकेशन में, वो भी 1st to 5th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CTET पेपर 1 आपका मान्य होगा, CTET पेपर 1 अगर आपका क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।